सामने आ रही है कैसे हवाई हमला किया जा रहा है। और जानकारी ये भी मिल रही थी कि जो पानी के जरिए जो इजरायली नेवी है उसने उस आतंकी को भी नेस्तनाबूद किया है, वहां पर भी उनके मंसूबों में उनको कामयाबी ना मिले, उनको नाकाम किया है, जो लगातार प्रहार करने का प्रयास कर रहे थे पानी के थ्रू भी, समुद्र के रास्ते भी। लेकिन यहाँ पर देखिए लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूएस ने इसराइल को सैन्य मदद भेजी है। बड़ी जानकारी, यूएस लगातार इसराइल को मदद कर रहा है और सैन्य मदद इसराइल को भेजी गई है। यूएस की तरफ से मदद की पहली खेप इसराइल पहुंच भी चुकी है ताकि इसराइल और स्ट्रांग हो सके और युद्ध के मैदान में और भी ज्यादा ताकतवर होकर इस जंग में आगे बढ़ सके। और यही एक बड़ी वजह है कि यूएस मदद कर रहा है, सैन्य मदद की गई है, पहली खेप इसराइल पहुंच चुकी है। यूएस आर्मी के विमान से गोला बारूद की पहली खेप है जो कि पहुंच चुकी है ताकि इसराइल किसी भी मोर्चे पर डगमगाए नहीं, क्योंकि तीन मोर्चे ऐसे जहां पर इसराइल जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही एक बड़ी वजह है कि लगातार साथ इसराइल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, सभी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। एक बार परिचय के कुछ सदस्य जो हैं वो मारे गए हैं। लगातार आपको बता दें कि दो पॉलिटिकल लीडर्स जो बड़े थे उन्हें भी मार गिराया गया है। बात जहां पर इसराइल की जाए, क्योंकि चुनौतियां जो हैं वो इसराइल के लिए अब ये हैं कि बड़ी लीडरशिप को जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से जो है बड़े आतंकी हमले करवाए जाए, ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो इसराइल में किया जाए। लेकिन जिस तरह से हम लगातार ये देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से बमबारी जारी, और जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी लगातार जो है इसराइल की तरफ से गाजा में जो है लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को जो है वो इस वक्त लगा दिया गया है, यानी कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बॉर्डर के बिल्कुल पास से जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं वो यहां पर कर रहे हैं। बता दें कि लगातार जिस तरह से यूएस जो है अमेरिका वो मदद कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं इसराइल को जो है वो एक बड़ी सपोर्ट मिली है। अब बताया भी जा रहा है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन वो भी इसराइल आ रहे हैं, तो ये चीजें जो है ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तीन बार इस युद्ध के छिड़ने के बाद जो बिडेन जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर चुके हैं, तो ये बताता है कि अमेरिका जो है वो किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर इसराइल के साथ खड़ा है। और इसराइल की लीडरशिप की तरफ से जिस तरह से लगातार ये बयान आ रहे हैं वो बयान इस तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमास का अंत निश्चित है, लेकिन हमास के आतंकियों के पास जिस तरह से आतंक का बड़ा जखीरा है, बड़े हथियार मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। तो सबसे खतरनाक जगह से रिपब्लिक के रिपोर्टर्स हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेहमान हमारे साथ, जल्दी से आपका परिचय करा दूं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर शाजेंदू साहब इस वक्त हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट, और रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। पहला सवाल ब्रिगेडियर शाजेंदू आपसे, अभी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि यूएस, दर्शक देख रहे थे हम भी देख रहे थे कि यूएस अब मदद कर रहा है, हमने दो दिन पहले भी ये तस्वीर दिखाई थी, अब ये मदद इस युद्ध को कहां लेकर जाएगी, क्योंकि अब तो यूएस ने मदद की है, ब्रिटेन भी सपोर्ट। इसराइल को देखिए, यूएस ने हमेशा से इसराइल की मदद की है और ये आज से नहीं 1948 से है, जिस दिन